हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और सर्वे, तीन राज्यों में लोकसभा की करीब एक तिहाई सीट हार सकती है भाजपा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 65 सीटों में से 62 पर जीती थी, जबकि कांग्रेस मात्र 3 सीट ही जीत सकी थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव पूर्व सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करीब एक तिहाई सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे के मुताबिक 3 राज्यों को कुल 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 43 पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर जीत सकती है। साल 2014 में बीजेपी इन 65 सीटों में से 62 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस मात्र 3 सीट ही जीत सकी थी। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को कुल 19 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी इतनी सीटों का कांग्रेस का फायदा हो सकता है। बता दें कि इन 3 राज्यों में अभी बीजेपी का सरकार है। टाइम्स नाउ के सर्वे बारूम स्ट्रेटजी के मुताबिक लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी की जीत हो सकती है, जबकि 8 पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। कुछ दिनों पहले एबीपीसी वोटर के सर्वे में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी के खाते 22 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा सकती है। बता दें कि साल 2014 के चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में बारूम स्ट्रेटजी सर्वे के मुताबिक बीजेपी को कुल 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। वहां लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। एबीपीसी वोटर सर्वे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा सकता है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। साल 2014 में यहां से बीजेपी ने कुल 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी। बारूम स्ट्रेटजी सर्वे के मुताबिक राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य में कुल 25 सीटें हैं और 2014 में सभी पर बीजेपी की जीत हुई थी। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 14 और कांग्रेस की 11 सीटों पर जीत हो सकती है। एबीपीसी वोटर के सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती है। अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया जाया है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। राफेल पर राहुल का नया दांव, एचएएल के 10,000 बेरोजगार कर्मचारियों से मिलेंगे। सड़क से संसद तक घमासान के बाद राफेल डील का मुद्दा पर अब सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को इस पर घेरने में जुटे हैं। राफेल विमान डील के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ाई कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के कर्मचारियों की बेरोजगारी से जोड़ दिया है। 13 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंडल मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस के दफ्तर से एचएएल के ऑफिस तक मार्च निकालेंगे और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी ने कहा कि इस घोटाले में एचएएल सबसे बड़ी पीड़ित है। वहां पर करीब 30,000 लोग नौकरी करते हैं और इस डील के रद्द होने के बाद करीब 10,000 लोगों को निकाला जा रहा है। राहुल गांधी 13 अक्टूबर को इन्हीं एचएएल के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एचएएल से डील छीन कर रिलायंस के हवाले कर दी है। कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से राफेल डील की जानकारी मांगी है, एससी ने भी फैक्ट्स की बात की है।
बता दें कि बुधवार को ही सर्वोच्च अदालत में राफेल डील के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर राफेल डील कैसे हुई और इसका पूरा घटनाक्रम क्या था। मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। क्या है ये कांग्रेस के आरोप? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले कई महीनों से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने फ्रांस की कंपनी दसों से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का जो सौदा किया है उसका मूल्य पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में विमानों की दर को लेकर जो सहमति बनी थी उसकी तुलना में बहुत अधिक है। इससे सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौदे को बदलवाया और HAL से ठेका लेकर रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया। यौन उत्पीड़न के आरोपी नेताओं, अभिनेताओं और लेखकों में एक बात कॉमन है, सभी मोदी भक्त है। #MeToo के साथ हर रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं। मीडिया, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े लोगों का नाम सामने आ चुका है और आना जारी है। नाना पाटेकर से शुरू हुआ ये सिलसिला अब बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, विकास बहल, लेखक चेतन भगत, फिल्म एक्टर रजत कपूर, सिंगर कैलाश खेर, बीजेपी नेता और पूर्व संपादक MJ अकबर, एक्टर आलोक नाथ, लिस्ट लंबी है। MJ अकबर, आलोक नाथ, विवेक अग्निहोत्री और चेतन भगत पर लगे आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत भूषण ने प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में एक ट्वीट किया है। MJ अकबर, आलोक नाथ, विवेक अग्निहोत्री और चेतन भगत के बीच क्या समान है? इन सभी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, साथ ही ये सभी भक्त है। इनमें भिन्नता क्या है? इनके जवाब, चेतन भगत ने स्वीकार किया और माफी मांगी। आलोकनाथ पुष्टि नहीं कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री और MJ अकबर चुप हैं। मोदी चाहते तो गुजरात के दंगे रोके जा सकते थे। सरकार ने सेना को नहीं मुहैया कराई गाड़ी, कहते हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल। 2002 गुजरात दंगों के मामले में भले ही कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इन दंगों के कुछ निशान अभी भी बाकी है जो बार बार सवाल की शक्ल में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के एक खुलासे के बाद खड़ा हो गया है। गुजरात दंगों के दौरान हिंसा से निपटने के लिए बुलाई गई सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब द सरकारी मुसलमान में दंगों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि दंगों के दौरान अहमदाबाद पहुंची सेना को दंगा प्रभावित इलाकों में जाने के लिए पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ा था। अगर सरकार उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे देती तो सेना कुछ और जाने बचा सकती थी। जमीरुद्दीन शाह ने लिखा, पहले मार्च को देर रात 2 बजे मैं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचा। वहां तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी मौजूद थे। वे दोनों लोग डिनर कर रहे थे और मुझे भी ऑफर किया। मैं डिनर कर तुरंत वहां से निकल गया। मेरे पास गुजरात का एक टूरिस्ट मैप था और उन जगहों की जानकारी जुटाई जहां हालत ज्यादा खराब थे। मैंने अधिकारियों को उन सामान के लिस्ट भी दे दिए जिसकी सेना को तत्काल जरूरत थी, लेकिन 3000 सेना के जवान जो 1 मार्च को सुबह 7 बजे ही अहमदाबाद की एयरफील्ड में उतर चुके थे, उन्हें गुजरात प्रशासन द्वारा यातायात मुहैया कराए जाने के अभाव में पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। किताब में किए गए इन दावों के बारे में जब मीडिया ने जमीरुद्दीन शाह से पूछा तो वो अपने दावों पर कायम नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हमें रात में ही गाड़ी मुहैया कर दी जाती तो निश्चित तौर पर नुकसान बहुत ही कम हुआ होता। उन्होंने कहा कि जो पुलिस 6 दिनों में नहीं कर सकी उसे हम लोगों ने 48 घंटे में कर दिखाया, जबकि संख्या में हम उनसे 6 गुना कम थे। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि जब भीड़ घरों में आग लगाई जा रही थी तब पुलिस मौन होकर किनारे खड़ी थी। जो तबाही मचाई जा रही थी उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा कि मैंने कई विधायकों को पुलिस स्टेशनों में बैठे देखा, उनका वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। जब भी हम पुलिस को कर्फ्यू लगाने के लिए कहते, उसे वो कभी भी अल्पसंख्यक इलाके में नहीं लागू करते, इसलिए अल्पसंख्यक हमेशा भीड़ से घिरे रहे। ये पूरी तरह से पुरानी और पक्षपातपूर्ण हैंडलिंग थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार पर लगाए गए इन आरोपों के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार इन दंगों को रोक सकती थी तो फिर उसने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या सरकार ने जानबूझकर इन दंगों को भड़कने दिया? क्या इन दंगों में सरकार की भी संलिप्तता थी? जो लोग #MeToo को खारिज कर रहे हैं उन्हें अकबरनामा और अकबर का कारनामा पढ़ना चाहिए। #MeToo अब मोदी सरकार के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका है। भाजपा के मंत्री, सांसद और पूर्व संपादक MJ अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। दरअसल 7 अक्टूबर को पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया कि भारत की पत्रकारिता के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्सुअल हैरेसर यौन प्रताड़क सत्ता में बैठा है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा। रोहिणी सिंह के इस ट्वीट के बाद MJ अकबर पर आरोपों की झड़ी लग गई। पत्रकार प्रिया रमानी ने लिखा कि उन्होंने पिछले साल वोग पत्रिका में अपने साथ हुए यौन शोषण का स्मरण लिखा था, लेकिन तब MJ अकबर के नाम का जिक्र नहीं किया था, अब कर रही है। प्रिया रमानी ने 2017 की स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि ये कहानी जिससे शुरू होती है वो MJ अकबर है। प्रिया रमानी के ट्वीट के कुछ घंटों के अंदर ही 3 और महिला पत्रकारों ने MJ अकबर पर आरोप लगाया। ये सभी यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। पत्रकार प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने भी MJ अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। MJ अकबर पर आरोपों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार अपने विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर पर लगे आरोपों पर कुछ भी नहीं बोल रही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जब ट्रिब्यून की पत्रकार स्मिता शर्मा ने पूछा कि क्या MJ अकबर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने MJ अकबर पर कटाक्ष करते हुए लिखा है, जो लोग #MeToo मुहिम को तरह तरह की दलाले देकर खारिज कर रहे हैं उन्हें अकबरनामा और अकबर का कारनामा पढ़ना चाहिए। एक जूनियर जर्नलिस्ट लड़की के साथ इतना बड़ा संपादक क्या क्या करने की हिमाकत कर सकता है, पढ़िए और समझिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।